हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम पारी। आप देख रहे हैं टेकमैन। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने व्हाट्सएप में चैट बॉट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक मैसेज कैसे किया जाता है व्हाट्सएप से, वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस पूरे स्टेप को आपको फॉलो करना है स्टेप बाई स्टेप, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है विदाउट स्किपिंग। सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल वीडियोज मिलती रहे। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए मैं आपको एक वीडियो का प्रूफ दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मैं क्या बताने वाला हूं, कैसे ऑटोमेटिक मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए हमारी इस वीडियो में चलते हैं। अभी आप मेरे इस फ़ोन को देख सकते हैं, एक सैमसंग का फ़ोन, और सामने वाइट रंग वाला वो ओप्पो F3 Plus, जिसमें मैं अभी एक मैसेज कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ हेलो हाय लिखूँगा, तो वो मुझे ऑटो रिस्पॉन्ड। देखिए, आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, और वो हेलो अभी लिखा हुआ आ गया है। अभी मैं लिखूँगा हाउ आर यू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ आर यू। अभी आप जो दूसरे स्मार्टफोन है वहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे, और विदाउट हाथ लगाए यहाँ पे देखिए आप उसको, उसका मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं कॉल में लिख के भेज रहा हूँ, देखिए वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, और देखिए विदाउट उसको हाथ लगाए ये ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है। तो आई एम बिजी कॉल यू लेटर वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये वाला बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन में चलते हैं। सबसे पहले आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। उसका नाम है ऑटो रिस्पॉन्डर WA, ऑटो रिस्पॉन्डर WA, ये वाला जो एप्लीकेशन है इसी को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ऑन कर दें, जैसे कि मैंने कर रखा है, यहाँ पर इसको ऑन कर दिया मैंने। अभी बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए प्लस आइकन के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो प्लस आइकन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसी का रिप्लाई देना है। समझ लीजिए हमें कोई लिख के भेजता है हाय, तो उसका रिप्लाई कैसे देंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच और सिमिलरिटी मैच क्या है। एग्जैक्ट मैच मतलब अगर हाय सेम टू सेम इसी वर्ड में लिखा है तभी हम लोग मैसेज करेंगे। सिमिलरिटी मतलब कुछ वर्ड अगर इसके साथ मिलेंगे तो हम लोग को वो रिप्लाई मिल जाएगा। तो मैं इसको सिमिलरिटी में रख देता हूँ। तो उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे रिप्लाई मैसेज में यहाँ पे आपको जो रिप्लाई देना है वो उसके बेहतर लिख दें। तो समझ लीजिए मैं हेलो लिख देता हूँ, जैसे कि आपने वो वीडियो में देखा था। अभी मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका रिसीवर, अगर आपको ग्रुप में भेजना ग्रुप का है तो आप ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं, बात बाकी आपके ऊपर है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद और भी आप इसके भीतर सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद अगर कोई बोलता है कॉल मी, जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा था, यहाँ पे मैं सिमिलरिटी मैच में टिक कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएं और रिप्लाई मैसेज क्या होगा, आई एम बिज़ी लिख देता हूँ, समझ लीजिए आई एम बिज़ी कॉल यू लेटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो में ये था, इस तरीके से मैं व्हाट्सएप में चैटबॉट क्रिएट करना आपको सिखाया। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के जुड़ी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। आगे आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।